हाय, मैं हूँ तुषाबा और आप लोग देख रहे हैं फंडू कंटेंट। बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म इस साल की हो गई है रिलीज। मैं बात कर रही हूँ पिक्चर 2.0 की, जिसमें है बॉलीवुड और टॉलीवुड के भगवान रजनीकांत और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार, और साथ ही साथ इन दोनों के साथ फीमेल लीड पर है हॉटी एमी जैक्सन। पिक्चर 2.0 आखिरकार हो चुकी है रिलीज, पर आप लोगों को क्या ये बात पता है, ये पिक्चर रिलीज होने से पहले बहुत कुछ इसके फैंस ने किया गया था इस पिक्चर के लिए। चलिए मैं आप लोगों को शुरू से बताती हूँ। हर बार की तरह रजनीकांत की कोई पिक्चर रिलीज होती है तो रजनीकांत की मूवी के पहले रजनीकांत का राज्य अभिषेक होता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, और ऐसा फिर से हुआ इस साल की बड़ी हिट मूवी 2.0 के रिलीज के दौरान। मूवी 2.0 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो चालू होने से पहले सिनेमा घरों के बाहर रजनीकांत के पोस्टर को किया गया था राज्य अभिषेक। जी हाँ, रजनीकांत के पोस्टर को दूध से नहलाया गया और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा ढोल और नगाड़े बजाए गए थिएटर के बाहर और साथ ही साथ थिएटर के अंदर भी। और इतना ही नहीं, बल्कि जब मूवी भी चालू हो गई थी और रजनीकांत की इस पिक्चर में जब एंट्री हुई, तब रजनीकांत की एंट्री पर मूवी पॉज की गई। जी हाँ, चालू मूवी बीच थिएटर में पॉज की गई रजनीकांत की एंट्री पर, और फिर सारे थिएटर वाले उठ के इनकी एंट्री पर नाचने लग गए और ढोल नगाड़े बजाने लग गए। तो आप लोग देख ही सकते हैं किस तरह से फर्स्ट डे और फर्स्ट शो सेलिब्रेट किया गया रजनीकांत की मूवी 2.0 का। इतना ही नहीं, रजनीकांत का एक बहुत ही बड़ा पोस्टर लगाया गया थिएटर के बाहर, और साथ ही साथ वहां पर आए कई लोगों ने अपने बदन पर 2.0 को पेंट से लिखा था, और कईयों ने तो स्पेशल टी शर्ट बनाई रजनीकांत के फेस वाली। और ना ही रजनीकांत का सेलिब्रेशन हुआ बहुत ही धूमधाम से, पर साथ ही साथ अक्षय कुमार की भी टी शर्ट पहनी गई कई फैंस ने। और तो और 2.0 की रिलीज के लिए पूरे के पूरे थिएटर खरीदे गए, और उस थिएटर में सिर्फ और सिर्फ रजनीकांत के पिक्चर 2.0 का स्क्रीनिंग हुआ और उस थिएटर में कोई और मूवी नहीं चलने दी गई। ये मूवी 2.0 देखने आए लोग पूरी की पूरी रात नहीं सोए हैं, और इस पिक्चर का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए रात के 3 बजे से थिएटर के बाहर बैठे थे। मानो जैसे कि कोई पिक्चर का फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं रिलीज हो रहा है, पर कोई बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है। तो ये तो बात हो गई इस पिक्चर के फर्स्ट डे फर्स्ट शो सेलिब्रेशन के बारे में। हम आपको बता दें, जिस तरह की से ये पिक्चर को सेलिब्रेट किया गया, उतनी ही अच्छी मानी जाती है ये पिक्चर है। सबसे पहले बात करते हैं ये मूवी के बजट के बारे में। ये मूवी बनने वाली थी 550 करोड़ के बजट में, पर आखिर में इस मूवी के VFX के दौरान थोड़ा बदलाव हो गया और इस मूवी का बजट आखिर में बन गया 600 करोड़। और इसी के साथ ये मूवी बन गई सबसे ज्यादा महंगे बजट वाली पिक्चर बॉलीवुड की। तो मैं आपको बता दूं, इस मूवी ने जितना अपने VFX में पैसा खर्च किया है, उतना ही अच्छी तरह से ये मूवी का VFX हमें नजर भी आया है। पिक्चर 2.0 जुड़ी है रजनीकांत की पिक्चर रोबोट से, और ये पिक्चर एक बहुत ही अहम मैसेज देती है ऑडियंस को। अगर आप ध्यान से देखें तो पिक्चर 2.0 हमें ये मैसेज देती है कि मोबाइल फोन्स क्या बदलाव लाए हैं आजकल की मॉडर्न जिंदगी में। इस पिक्चर में रजनीकांत ने एक रोबोट का किरदार निभाया है जो इस दुनिया को बचाने आ जाता है। इस पिक्चर के विलेन अक्षय कुमार से, जो भी एक रोबोट है। इस पिक्चर के विलेन अक्षय कुमार नाराज है लोगों से इनके मोबाइल फोन यूज करने की वजह से, और इसी वजह से अक्षय कुमार जब्त कर लेते हैं सभी के मोबाइल्स इस पिक्चर में। 2.0 में ये दोनों ही सिर्फ रोबोट्स नहीं है, साथ ही साथ इस फिल्म की फीमेल लीड एमी जैक्सन भी इस फिल्म में रोबोट है। हालांकि ये फिल्म कनेक्टेड है फिल्म रोबोट से, पर रोबोट फिल्म की फीमेल लीड यानी कि ऐश्वर्या राय, जिसने किरदार निभाया था सना का, वो आपको इस मूवी 2.0 में नहीं देखने मिलेंगी। फिल्म 2.0 जितनी बड़े पैमाने पर बनी है, उतनी ही ज्यादा पैमाने की लैंग्वेजेस पर ये मूवी रिलीज हो रही है। फिल्म 2.0 को रिलीज किया गया है 5 languages में। चलिए मैं आप लोगों को इस फिल्म के बारे में कुछ डिटेल्स भी दे देती हूँ। ये फिल्म एक फैंटेसी मिस्ट्री जॉनर पे बनी गई है, और ये फिल्म है 2 hours 30 minutes की। इस फिल्म के डायरेक्टर है एस शंकर, और इसे प्रोड्यूस किया है सुभाष करण ने लाइका प्रोडक्शंस के बैनर के अंदर, और इस पिक्चर का बढ़िया म्यूजिक दिया है द वन एंड ओनली AR रहमान ने, और इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी करी है नीरव शाह ने। आखिर में आपको ही मैं ये बताती हूँ कि इस फिल्म के प्रमोशन जितनी बढ़िया तरीके से की गई थी और इस फिल्म की मेकिंग में जितना पैसा लगाया गया, वो सब मेहनत आखिर में थोड़ी बहुत खरी होते हुए दिख रही है। इसी के साथ फंडू कंटेंट इस पिक्चर को देंगे 5 में से 3 stars। अब आप लोग हमें ये बताइए, आप लोगों को कैसा लगा रिव्यू, और क्या आप लोग ये पिक्चर देखने जाएंगे, और अगर आप लोगों ने ये पिक्चर देखी है तो आप लोगों को कैसी लगी है ये पिक्चर। बॉलीवुड की ऐसी
अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कंटेंट को, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए।